फिल्म की शुरुआत में हमें पैटी नाम की एक माउस दिखाई जाती है जो अपने आइडल जीसन की कहानी सुना रही होती है, जो सालों पहले अपने लॉयल क्रूज के साथ शिप में बैठकर एक मैजिकल आर्टिफैक्ट की खोज में निकला था और उस पूरे जर्नी के दौरान उसने बहुत से खतरों का सामना किया जिसमें वाइल्ड स्टॉर्म्स, खूंखार मॉन्स्टर्स शामिल थे। पर आखिर में उसे वो मैजिकल आर्टिफैक्ट मिल गया जो सभी गॉड्स की तरफ से एक प्रेशियस गिफ्ट के समान थे और उसे गोल्डन फ्लीस कहा जाता था। ये इतना पावरफुल था कि ये अपने सराउंडिंग एरियाज को आने वाले बड़े से बड़े खतरे से प्रोटेक्ट कर सकता था। जेसन के उसे अपने सिटी योल्कन में लाने से हर तरफ पीस और प्रॉस्पेरिटी आ गई और उसे योल्कन के निवासियों के द्वारा अपने सिटी के रक्षा का प्रतीक माना जाने लगा। पैटी जेसन से बहुत ज्यादा प्रभावित थी और वो भी उससे इंस्पायर होकर वर्ल्ड एडवेंचर पर जाना चाहती थी। वो सैम नाम के एक वेजिटेरियन कैट के साथ रहती थी जो उसके लिए उसके डैड के समान था और उसका बहुत ध्यान रखता था। पैटी जेसन के ही शहर याल्कॉन में रहती थी। वहां पैटी के साथ साथ चूहों की एक लार्ज कॉलोनी भी रहा करती थी जो अपने गुजारे के लिए अक्सर मार्केट से फिशेज और बाकी खाने की चीजों की चोरी किया करते थे। पैटी वहां अपने बेस्ट फ्रेंड लुइगी के साथ एजुकेशन के लिए अपनी टीचर के पास जाया करती थी। वहां बाकी के रैट्स भी मौजूद होते हैं। वहां पैटी जब जेसन के टॉपिक के बारे में सुनती है तो एक्साइटेड होकर उसके बारे में बताना शुरू कर देती है क्योंकि वो अपने फ्री टाइम में लाइब्रेरी में पड़े बुक्स को रीड किया करती थी जिससे उसे जेसन और उसके द्वारा किए गए एडवेंचर की पूरी डिटेल पता थी। और जब वो सभी को ये बताती है कि वन दिन वो भी जेसन की तरह एक ग्रेट एडवेंचर बनेगी तो वहां मौजूद सभी चूहे उसके इस बात पर हंसने लगते हैं और उसका मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। इससे पैटी को बहुत बुरा लगता है और वो उसी समय सभी को अपनी काबिलियत साबित करने के लिए जेसन के शिप आर्गो के जरिए वर्ल्ड एडवेंचर पर निकलने का फैसला करती है। पर इतने में उसकी तलाश करते हुए सैम वहां पहुंच जाता है। तभी पैटी गलती से पानी में गिर जाती है और तैरना ना आने के कारण डूबने लगती है। पर ये देखते ही सैम तुरंत पानी में कूद जाता है और उसे किनारे तक ले आता है। वो पैटी को समझाता है कि उसे वर्ल्ड एडवेंचर की जिद छोड़ देनी चाहिए, ये बहुत रिस्की हो सकता है। पर पैटी अपने इस फैसले को हर हाल में पूरा करना चाहती थी। इतने में वहां लुइजी आ जाता है जो आज पैटी के साथ याल्कॉन सेरेमनी में जाने वाला था क्योंकि वहां आज एक बड़ी सी स्टैचू रिवील की जाने वाली थी और वहां जेसन स्पीच देने वाला था जिसके लिए पैटी बहुत एक्साइटेड थी। वहां हमें पता चलता है कि पैटी हर हफ्ते लॉटरी टिकट खरीदा करती थी क्योंकि जीतने वालों को आउटसाइड वर्ल्ड की ट्रिप ऑफर की जाती थी। इस तरह से पैटी बाहरी दुनिया को एक्सप्लोर कर सकती थी, पर वो आज तक उसे जीत नहीं पाई थी। पैटी लुइजी और सैम के साथ सेरेमनी में पहुंचती है जहां हम जेसन को देखते हैं जो अब बहुत बूढ़ा हो चुका था और पहले की तरह एक्टिव नहीं था। वहां सैम के साथ बाकी रैट्स भी सेरेमनी में आए थे, पर वहीं सैम को पता चलता है कि इस बार फाइनली पैटी लॉटरी टिकट जीत चुकी थी। पर यह बात वो पैटी को नहीं बताता क्योंकि वो नहीं चाहता था कि पैटी उसे छोड़कर लॉटरी द्वारा ऑफर किए गए ट्रिप पर जाए। वो मानता था कि बाहरी दुनिया का सफर खतरों से भरा होगा, इसलिए वो पैटी को इसकी अनुमति नहीं दे सकता था। उस दौरान पैटी जेसन के स्पीच में बिजी होती है जो अपने सिटी के रक्षा का श्रेय गोल्डन फ्लीस और गॉड ऑन ऑफ थंडर ज्यूस को देता है और वो स्टैचू असल में ज्यूस की ही थी जिसे उनके रिस्पेक्ट में बनवाया गया था। वही हम ज्यूस को अपने रेल में देखते हैं जो याल्कॉन के निवासियों द्वारा बनाए अपने ग्रेट स्टैचू को देखकर बहुत खुश हो रहे होते हैं, पर इस कारण से उनके भाई पोसाइडन जो खुद समुद्र के देवता होते हैं वो बहुत जेलस फील करने लगते हैं क्योंकि वो मानते थे कि याल्कॉन चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है और अगर समुद्र ने उन पर दया ना दिखाई होती तो वो आज वहां नहीं होते। इसके लिए याल्कॉन निवासियों को गॉड ऑफ सी यानी कि मेरी स्टैचू बनानी चाहिए थी। इतना कहकर वो वहां से अपने ट्राइडेंट के साथ चले जाते हैं। दूसरी ओर सैम चुपके से पैटी के विनिंग ट्रिप की टिकट को ले लेता है, पर जैसे ही पैटी वहां आती है वो जल्दी से उस टिकट को अपने मुंह में रख लेता है और पैटी के पूछने पर उसे कहता है कि वो इस बार भी लॉटरी टिकट नहीं जीत पाई। इससे पैटी बहुत ज्यादा अपसेट होती है। तभी वो देखती है कि टाल्कन निवासी एक जगह इकट्ठा होकर समुद्र में हो रहे हलचल की ओर देख रहे होते हैं और तभी उसमें से गॉड पोसाइडन बाहर आते हैं, पर वो ज्यूस के गोल्डन फ्लीस के प्रोटेक्शन के कारण याल्कॉन में एंटर नहीं कर पाते। तब वो गुस्से में गोल्डन फ्लीस को वहां से निकालकर फेंक देते हैं जिससे वहां की प्रोटेक्टेड शील्ड गायब हो जाती है। पोसाइडन सभी निवासियों को बताते हैं कि वो उनके कारनामों से बहुत गुस्सा हो चुके हैं क्योंकि उन्होंने उनकी स्टैचू ना बनाकर ज्यूस की स्टैचू बनाई। वो सभी को 7 दिन का समय देते हैं और अपने भाई ज्यूस जैसी ही उनकी एक ग्रेट स्टैचू बनाने का हुक्म देते हैं जिसमें उनकी चमकदार ट्राइडेंट भी होनी चाहिए और अगर ऐसा नहीं होता तो सभी को उनके गुस्से का प्रकोप सहना पड़ता। इतना कहकर वो वहां से चले जाते हैं। पर यहां सबसे बड़ा सवाल ये था कि स्टैचू बनने के बाद भी वो उनके ट्राइडेंट के लिए चमकदार जेम मटेरियल कहां से लाते।
तभी पैटी को कुछ याद आता है और वो एक मैप लेकर अपने साथियों के पास पहुंचती है। वो उन्हें मैप दिखाते हुए बताती है कि ये ट्रैनेक्टोस का मैप है, जो एक ऐसा आइलैंड है जो खजाने से भरा हुआ है, और यहाँ उन्हें पोसाइडन के स्टैचू के ट्राइडेंट के लिए चमकदार नीलम रत्न मिल सकता है, जो ट्राइडेंट के समान ही नजर आता था। पैटी का प्लान उस आइलैंड जाकर इस रत्न को हासिल करने का था, पर सैम पैटी के इस फैसले के खिलाफ था, क्योंकि ड्रेक नाम का सीगल उन्हें बताता है कि ये आइलैंड और यहां पहुंचने का रास्ता खतरों से भरा हुआ है, पर हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। समय की कमी के कारण हमें जल्द से जल्द इस आइलैंड के लिए निकलना होगा। पैटी उसकी बात से सहमत होती है। वही जेसन सभी निवासियों से कहता है कि मैं ट्राइडेंट के रत्न के लिए अपने शिप से ट्रैनेक्टोस जाने के लिए निकलने वाला हूं। इस दौरान वो पोसाइडन के स्टैचू को बनाने की जिम्मेदारी उन्हें देता है और पूरी लगन और मेहनत से उन्हें पोसाइडन के स्टैचू बनाने की शुरुआत करने को कहता है। वो आज ही अपने शिप से आइलैंड के लिए निकलने वाला था, पर असल में उसके शिप के बाकी सारे क्रूज अब जीवित नहीं थे, इसलिए जेसन के लिए अकेले ये सब करना संभव नहीं था। तभी पैटी को अपनी नॉलेज से मुर्दों को जीवित करने का तरीका याद आता है और वो म्यूजियम से एक एंशंट मिथिकल मॉन्स्टर का टीथ लेकर ग्रेवयार्ड पहुंचती है और बताए गए इंस्ट्रक्शन के जरिए जेसन के मुर्दा क्रूज को जिंदा कर देती है। पर अपने स्केलेटन फॉर्म के कारण वो पहले जैसे समझदार और ताकतवर नहीं थे। इसके बाद भी जेसन उन पर भरोसा करके उनके साथ अपने मिशन पर निकल जाता है। पैटी भी ड्रेक के साथ इस एडवेंचर को ज्वाइन कर लेती है। इस वजह से सैम को भी मजबूरी में पैटी के सुरक्षा के लिए उनके साथ जाना पड़ता है। पर वहीं ज्यूस नहीं चाहते थे कि वो पोसाइडन का स्टेचू बनाने में कामयाब हो, इसलिए वो जानबूझकर उनकी रास्तों में मुश्किलें बढ़ाने की कोशिश करते हैं। पर अपनी वाइफ के आते ही वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करने लगते हैं। इधर ज्यूस के कारण एक बेबी मॉन्स्टर जेसन के शिप पर अटैक कर देता है, जिसका सामना करने के लिए जेसन के क्रूज बिल्कुल भी केपेबल नहीं थे। उस मॉन्स्टर के कारण उन्हें बहुत से मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, पर तब पैटी अपनी समझदारी का इस्तेमाल करती है और वो सैम के साथ मिलकर उस बेबी मॉन्स्टर को शांत करने में कामयाब रहते हैं। पर वहां फैले उस मॉन्स्टर के वेस्ट को देखकर सैम को उल्टी आ जाती है, इससे उसके द्वारा निगला हुआ पैटी का विनिंग टिकट भी बाहर आ जाता है। पैटी जब ये देखती है तो उसे यकीन नहीं होता और वो सैम से भरोसा खो देती है। उस मॉन्स्टर का सामना करने के बाद उनके शिप की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, इसलिए वो एक नजदीकी पोर्ट सिटी पहुंचते हैं जहां वो अपने शिप को रिप्लेस करवाते हैं। पर पैटी सैम के झूठ से इतना नाराज हो चुकी थी कि वो उसके साथ नहीं रहना चाहती थी। वो उसे सेल्फिश और कवर्ड कहकर उसे शिप से जाने को कहती है। सैम को भी उसकी बात माननी पड़ती है और शिप रिप्लेस करने के बाद पैटी ड्रे के साथ आगे के सफर के लिए निकल जाती है। दिन भर सफर करने के बाद वो जैसे ही ट्रैनेक्टोस पहुंचने ही वाले होते हैं, तभी एक प्रोग्राम्ड रोबोट उन पर हमला करना शुरू कर देता है। तभी उन्हें एक केव नजर आता है और जिस दौरान जेसन सो रहा होता है, तभी पैटी शेल्टर के लिए शिप को केव की ओर मोड़ देती है और वहां पर शिप से उतरने के बाद वो सभी दूसरे ओपनिंग से उस आइलैंड में चले आते हैं। दूसरी ओर उस पोर्ट सिटी में सैम को कुछ चूहे मिलते हैं, जिससे उसे पता चलता है कि पैटी जिस आइलैंड पर गई है वहां से आज तक कोई वापस नहीं लौटा है। ये सुनकर सैम को पैटी की बहुत चिंता होने लगती है और वो उन चूहों से मदद मांगता है। उनकी हेल्प के कारण सैम एक डॉल्फिन के जरिए ट्रैनेक्टोस आइलैंड की ओर निकल जाता है। इधर आइलैंड पहुंचकर जेसन अपने ग्रुप के साथ मैप के जरिए उस नीलम की तलाश में आगे बढ़ रहा होता है। पैटी और ड्रेक भी उनके पीछे ही होते हैं, पर तभी वहां साइक्लोप्स नाम की एक मॉन्स्टर आर्मी आ जाती है, जो जेसन और उसके क्रूज को पकड़ लेते हैं और उनका सूप बनाने के लिए उन्हें वहां से लेकर चले जाते हैं। पैटी को ये देखकर बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो भी जेसन के लिए साइक्लोप्स के पीछे जाने लगती है। इधर डॉल्फिन की मदद से सैम भी उस आइलैंड पर पहुंच जाता है। वहां जब वो जेसन की शिप को देखता है तो वहां पैटी को ढूंढने लगता है, पर तभी दो रैट्स उस पर अटैक करके उसे बंदी बना लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये कैट हमारे शिकार के लिए आया है। पर सैम बड़ी आसानी से रस्सी की पकड़ से आजाद हो जाता है। वो उन रैट्स को शांत कराते हुए बताता है कि वो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो बस वहां पैटी नाम की एक रेड को ढूंढने आया है। सैम उनसे उसे ढूंढने में मदद मांगता है, पर उन्हें पता नहीं था कि पैटी कहां हो सकती है, इसलिए वो इस बारे में पता करने के लिए सैम को अपने फ्रेंड्स के पास ले जाते हैं, जो असल में जायंट स्कॉर्पियंस थे। उन्हें भी पैटी के बारे में कोई आइडिया नहीं था, पर वो सैम की मदद करने के लिए उसके टीम को ज्वाइन कर लेते हैं। वो सैम को अनुमान लगाते हुए बताते हैं कि जरूर वो साइक्लोप्स के हाथों पकड़े गए होंगे। ये सुनते ही सैम पैनिक होकर उन दोनों रैट्स के साथ साइक्लोप्स एरिया की ओर निकल जाता है। इधर पैटी और ड्रेक जेसन के लिए साइक्लोप्स को फॉलो करते हुए उनके एरिया में चले आते हैं, जहां वो देखते हैं कि साइक्लोप्स जेसन और उसके ग्रुप में केज में कैद कर देते हैं और सूप की तैयारी करने लगते हैं। इस दौरान पैटी और ड्रेक उनके इलाके में घुसकर वहां की जांच करने लगते हैं। वहां उन्हें पता चलता है कि उस जायंट रोबोट को साइक्लोप्स ने ही तैयार किया था।
आगे बढ़ने पर पैटी को वहां खजानों का ढेर नजर आता है, पर वहां उसे कहीं भी उस पोसाइडन के ट्राइडेंट के लिए नीलम रत्न नजर नहीं आती। तब वहां पैटी को पता चलता है कि ये नीलम की बात बिल्कुल झूठ है, ये सब साइक्लोप्स की चाल थी। इसकी तलाश में अब तक कई ट्रैवलर्स इस आइलैंड पर आ चुके थे और सभी को साइक्लोप्स के हाथों अपनी जान गंवानी पड़ी। इससे पैटी को अपने फैसले पर अफसोस होने लगता है। उतने में वहां दो मुंह वाला ड्रैगन आ जाता है जो उनका शिकार करने की कोशिश करता है। वहां पैटी और ड्रैको पता चलता है कि उस ड्रैगन के जितने सिर काटे जाएंगे उसके दुगने वापस ग्रो हो जाएंगे। इस कारण से उनके पास कोई उपाय नहीं था, पर तभी वहां उनके बचाव के लिए सैम पहुंच जाता है जो अपनी जान खतरे में डालकर पैटी और ड्रैको ड्रैगन के खतरे से मुक्त कर देता है। तभी वहां साइक्लोप्स पहुंच जाते हैं जो सैम को पकड़ लेते हैं। उतने में वहां सन अलार्म बजने लगता है जिसका मतलब था कि जल्द ही सनराइज होने वाला था, इसलिए वो तुरंत अपने घरों में चले जाते हैं क्योंकि उन्हें सूरज से खतरा था। पर अब सैम के उनके द्वारा पकड़े जाने के कारण वो दोनों रैट्स पैटी को इसका जिम्मेदार बताने लगते हैं। इससे पैटी को बहुत अफसोस होने लगता है। अब तक पैटी को समझ आ चुका था कि सैम सेल्फिश नहीं था, उसने जो किया उसके भले के लिए किया था। इसलिए ड्रैक जिस दौरान साइक्लोप्स की फ्लाइंग पैट यूकीज़ को डिस्ट्रैक्ट कर रहा होता है, उस दौरान पैटी चुपके से सैम के रेस्क्यू के लिए उसके पास पहुंच जाती है और चलाकी से सैम को वहां से रिहा कर देती है। यहां सैम और पैटी दोनों एक दूसरे को माफ कर देते हैं। अब उनकी पूरी टीम यूनाइट हो चुकी थी, पर उनके पास नीलम को हासिल करने का कोई तरीका नहीं था। इधर यालकन में स्टैचू बनाने वाले सभी वर्कर्स थकने लगे थे और हार मानने लगते हैं, पर तब लुइजी सभी रैट्स को इस टाइम में उनकी मदद करने को कहता है और वर्कर्स की थकान को दूर करने के लिए उन्हें पानी लाकर देता है। इससे वर्कर्स को बहुत राहत मिलती है। लुइजी से इंस्पायर होकर सभी रैट्स और सीगल उनकी मदद करने के लिए काम पर लग जाते हैं और उनकी थकान दूर करने में उनकी सहायता करते हैं। इससे सभी वर्कर वापस से मोटिवेट होकर काम पर लग जाते हैं। इधर जेसन अपने अलावा अपने पूरे क्रूज के स्केलेटन को अलग अलग करके उन्हें केज से निकाल देता है जो वापस जुड़कर पहले जैसे हो जाते हैं, पर वो इतने लॉयल थे कि जेसन के बिना वहां से जाने से मना कर देते हैं। वहीं पैटी को वहां मौजूद खजानों से ट्राइडेंट तैयार करने का आइडिया आता है और वो वहां से अपनी पूरी टीम के साथ कामयाबी हासिल करके अपने आइलैंड वापस लौटने का प्लान बनाती है। ड्रेक और दोनों रैट्स उस रोबोट पर कंट्रोल करने के मिशन पर जाते हैं ताकि उसे कंट्रोल करके वो साइक्लॉप्स का सामना कर सके, पर जब यूकिस उन्हें देखता है तो उनके पीछे पड़ जाता है, लेकिन ड्रैक उसे बड़ी ही आसानी से एक ट्रैप में फंसा देता है। इधर सैम और पैटी उन जायंट स्कॉर्पियंस के साथ उस मल्टी हेड ड्रैगन का अंत करने जाते हैं, जहां वो स्कॉर्पियंस उस ड्रैगन के अंत के लिए एक तरकीब अपनाते हैं और उन्हें उन्हीं के एबिलिटी का शिकार बनाकर डिफीट कर देते हैं। इसके बाद वो खजाने का इस्तेमाल करके ट्राइडेंट बनाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं और आखिर में बहुत से जेम्स को भट्टी में पिघलाकर पोसाइडन के स्टैचू के लिए एक जायंट चमकदार ट्राइडेंट तैयार कर लेते हैं। पर जैसे ही साइक्लॉप्स को इसका आभास होता है, वो नींद से जाग जाते हैं और उन्हें पैटी और उसके साथियों द्वारा किए गए सारे कारनामों के बारे में पता चल जाता है, इसीलिए वो उनके पीछे पड़ जाते हैं। उनकी एब्सेंस में खुद को आजाद पाकर जेसन की क्रूज उसे पूरे केज के साथ उठाकर वहां से जाने लगते हैं। इधर ड्रैक अपनी टीम के साथ उस जायंट रोबोट के अंदर घुस जाता है और वो उसके सिस्टम के प्रोग्राम को रिसेट करके उसे अपने मुताबिक रिप्रोग्राम कर देते हैं। इधर पैटी की टीम ट्राइडेंट के साथ वहां से निकलने के फिराक में होते हैं, पर तभी वह साइक्लोप्स आर्मी उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं। वो स्कॉर्पियंस और बाकी सभी उनका बहादुरी से सामना करने की बहुत कोशिश करते हैं, पर इसका कोई फायदा नहीं होता। पर तभी वहां ड्रैक उस रोबोट के साथ आ जाता है जो अपने रिप्रोग्रामिंग के कारण उसके कंट्रोल में था। उसके इस्तेमाल से वो साइक्लोप्स पर भारी पड़ते हैं, जिस कारण से साइक्लोप्स के लीडर के अलावा बाकी सभी भाग जाते हैं। उतने में जेसन भी अपनी आर्मी के साथ पहुंच जाता है। काम पूरा होने के बाद ड्रैक और उसके साथी रोबोट से बाहर निकल आते हैं और केव में अपने शिप के पास पहुंचते हैं, पर साइक्लोप्स का लीडर मौका पाकर उस रोबोट पर कंट्रोल पाने की कोशिश करता है, लेकिन ड्रैक ने पहले ही इसकी प्लानिंग कर रखी होती है जिसे ना समझने के कारण वो अपने ही चाल का शिकार हो जाता है। पर फिर भी वो हार नहीं मानता। अपनी हार के कारण वो इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है कि पूरे शिप को तबाह करने लगता है। पर पैटी को पता था कि साइक्लोप्स का सबसे बड़ा दुश्मन सूरज की रोशनी है, इसलिए वो उसी को साइक्लोप्स के अगेंस्ट इस्तेमाल कर देती है जिससे उसका वही अंत हो जाता है और वो ट्री में बदल जाता है। तभी जेसन के क्रूज उसे लेकर वहां पहुंच जाते हैं। जेसन अपने सामने चमकदार ट्राइडेंट को देखकर बहुत खुश होता है। इसके बाद सभी उस जगह को छोड़कर अपने आइलैंड की ओर निकल जाते हैं। दूसरी ओर यालकन में पोसाइडन प्रकट हो जाते हैं जो समय पूरा होने का इंतजार कर रहे होते हैं, पर तब ज्यूस अपनी वाइफ के कहने पर अपने किए का प्रायश्चित करते हैं और जेसन की शिप को समय रहते पहुंचाने में उनकी मदद करते हैं, जिस वजह से जेसन सही समय पर ट्राइडेंट के साथ पहुंच जाता है। पोसाइडन उस ट्राइडेंट को देखकर बहुत खुश होते हैं। अब तक पोसाइडन की स्टैचू भी पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी, इसलिए पोसाइडन यालकन निवासियों के काम से बहुत प्रभावित होते हैं
और उनके शहर को वापस से पहले जैसा करके वहां से खुशी खुशी लौट जाते हैं। इस तरह से पैटी के ग्रेट एडवेंचर का सपना भी पूरा हो जाता है और अंत में सब कुछ सही हो जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यही एंड हो जाती है।